दिस इज मनीषा, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस हाउ डू आई गेट रेडी फॉर दिवाली। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया और खुशियों के दीप जलाए गए, तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है। इंडियन आउटफिट साड़ी के साथ में दिवाली के लिए तैयार हुई। विदाउट अ परफेक्ट आउटफिट दिवाली इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। साथ में मैचिंग बिंदी इयररिंग्स और चूड़ियां पहनी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते, दिखाती हूँ ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैंने अपना स्किन केयर पहले कर लिया है, शुरू कर रही हूँ आई मेकअप से। तो सबसे पहले आईब्रोज को फिल करेंगे, एंगुलर ब्रश की हेल्प से फिल कर रही हूँ। डार्क ब्राउन आई शेडो लिया है। फिल इन फर्स्ट द टॉप पोर्शन ऑफ माई ब्रोज। मेरे आईब्रोज में प्रॉपर शेप बनाना पड़ता है, बहुत लाइट से हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई एम गोइंग टू यूज द पुली टू ब्रश माई ब्रो हेयर अपवर्ड्स एंड फिल द बॉटम। इस तरह से मैंने अपने आईब्रोज को बनाया है। अब क्लीन कर रही हूँ कंसीलर से, क्योंकि आज आई मेकअप पहले करना है तो पूरे लिड पे भी कंसीलर लगा रही हूँ। 3-4 कलर के आई शेडो आज यूज़ करने वाली हूँ, तो इधर उधर फैलने का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए मैं आई मेकअप पहले कर रही हूँ। अगर हम पहले बेस मेकअप करते हैं तो कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे फेस के ऊपर कोई मेकअप नहीं लगा रहता है जिससे बिगड़ने का डर होगा। लेकिन जब आई मेकअप पहले करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। जैसे मैंने आईब्रोज बना लिया है तो यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ, अगर जल्दी जल्दी लगाऊंगी तो वो फिर आईब्रोज के शेप बिगड़ जाएंगे। आई मेकअप शुरू कर दिया स्टार्टिंग विद लाइटर शेड, यहाँ पे मैंने लिया है येलो कलर। आई एम टेकिंग वेरी लिटिल आई शेडो एट अ टाइम। येलो के बाद ग्रीन लगा रही हूँ, जस्ट प्लेस किया है, ब्लेंड नहीं कर रही अभी। एंड यू कैन सी कि मैं बहुत थोड़े थोड़े से आई शेडो ले रही हूँ एक बार में। आई एम स्लोली बिल्डिंग अप द इंटेंसिटी एज नीडेड। नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ पिंक शेड। देखो, आई मेकअप ही हमारे पूरे फेस मेकअप की जान होती है और डिफरेंट तरीके से हम कर भी सकते हैं, बेस तो एक जैसा ही रहता है। और यहाँ पे मैं आउटर वी पे थोड़ा सा डार्कर शेड अप्लाई कर रही हूँ। कॉर्नर को डार्क करते हुए हाफ क्रीज लाइन तक ले जा रही हूँ इसी ब्रश को, ताकि थोड़ी सी डेप्थ मिल पाए। और यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करने जा रही हूँ, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। नेक्स्ट आई एम ऑप्टिंग सिमर गोल्ड सेट, अप्लाई इट ऑन माई लिड विथ माई फिंगर। इस तरह से मैंने शिमर अप्लाई किया है कि सारे कलर एक जैसे ब्लेंडेड दिखे। नेक्स्ट अप्लाइंग काजल लोअर एंड अपर वाटर लाइन पे। मस्कारा लगाने के लिए आई लैस कर्लर से पहले मैं अपने लेसेस को कर्ल कर लूँगी, और ये कर्लर थोड़ा सा टूट गया है, फिर भी काम चल रहा है। मैं लगा रही हूँ फॉल्स लेसेस, पूरा फेस्टिव सीजन चला गया और एक भी मेकअप लुक में मैंने फॉल्स लेसेस नहीं लगाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और जब भी लगाती हूँ तो लाइनर इधर उधर फैल जाता है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि लाइनर लगाने से पहले मैं लेसेस लगा लेती हूँ, और उसके बाद जहाँ भी गैप मुझे दिखेगा तो उसको मैं फिल करूँगी लाइनर से। इस तरह से काम किया तो मुझे आज थोड़ा सा आसान लगा और लाइनर भी अच्छा खासा लग गया था। लाइनर को थोड़ा सा नीचे की तरफ भी लगा रही हूँ ताकि शेप अच्छी आए। मुझे पहले ही लगा था कि आज आई शेडो इधर उधर ज़रूर फैलेगा, इसलिए मैंने आई मेकअप पहले किया। अगर इससे भी ज़्यादा आपका फेस गंदा हो जाए, जैसे काजल या ब्लैक आई शेडो वगैरह लगाते हैं तो वो जल्दी से छूटता नहीं है, तो आप गीले कपड़े से भी पोंछ सकते हैं या स्पंज से। यही आई मेकअप पहले करने का फ़ायदा होता है। टिश्यू से क्लीन करके मैंने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लिया है प्राइमर। नेक्स्ट अप्लाई करने जा रही हूँ फाउंडेशन। इस तरह से डॉट डॉट करके लगा लिया है पहले ब्रश की हेल्प से। ये फाउंडेशन मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइटर हो गया, तो अब क्या करेंगे, मैं लूँगी इसे थोड़ा सा डार्कर शेड में फाउंडेशन ट्रू मैच टू माई स्किन टोन, और दोनों को फेस के ऊपर ही मिक्स कर लेंगे। ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लाइटर हो गया है तो थोड़ा सा डार्क शेड आप मिक्स कर सकते हैं, और डार्कर में थोड़ा सा लाइट शेड मिक्स करके आप अपने स्किन से मैच करता हुआ बेस बना सकते हैं। ब्लेंडिंग विद डैम ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ी सी सावधानी से करेंगे, क्योंकि आई मेकअप हमने पहले कर लिया है तो उसके ऊपर बेस ना लग जाए इसलिए। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ कंसीलर अंडर आई पे, उसके बाद फोरहेड पे, नोज़ पे, अराउंड द माउथ। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम फाउंडेशन के साथ मेकअप करें, कंसीलर के साथ भी अच्छा खासा मेकअप हो जाता है। कंसीलर मेनी ऑफ टाइम्स इवन इफ़ यू हैव अनइवन स्किन टोन यू डोंट नीड अ फाउंडेशन। जिन लोगों के चेहरे पे ज़्यादा पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, स्कार्स, डार्क स्पॉट हैं, तो उनके लिए फाउंडेशन से अच्छा है कि ए गुड कंसीलर इज ऑल दैट यू नीड।
अगर हम कंसीलर लगा के कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं, लिटिल बिट ड्राई एंड टैकी, और उसके बाद इस तरह से ब्लेंड करते हैं, इट गिव्स यू मोर कवरेज। अब मैं करने जा रही हूँ कॉन्टोर। इसके लिए डॉट डॉट लगा दिया है अपने फेस को डायमेंशन देने के लिए। अभी करवा चौथ मेकअप वाली वीडियो में मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया तो बेस काला पड़ गया, इसलिए आज मैं बहुत ही सावधानी से काम करने वाली हूँ। डार्कर शेड थोड़ा सा भी ज़्यादा लग जाए और हम ब्लेंड करने लगते हैं ना, तो और भी ज़्यादा फैलने लगता है, जैसे काजल, लाइनर, मस्कारा इसमें भी होता है। अब मैं बेस को सेट कर रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर से। सबसे पहले अंडर आई पे लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे जल्दी क्रैक आ जाते हैं और मेकअप भी इधर उधर फैल जाता है। साथ ही पूरे फेस को भी सेट कर लेंगे। ट्रांसलूसेंट पाउडर की जगह पे आप बनाना पाउडर, कॉम्पैक्ट या सेटिंग पाउडर से भी बेस को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जहाँ जहाँ पे कॉन्टोर किया है तो उसे ब्रॉन्जर से सेट कर रही हूँ। मेकअप करने में जितने भी क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन हम पहले कर लेते हैं और फिर उसे पाउडर सेटिंग करते हैं। अब मैं लगाने जा रही हूँ ब्लश। आई डोंट लाइक टू यूज़ इट डायरेक्टली ऑन माई फेस, सो आई टेक अ लिटिल बिट इन द बैक ऑफ माई हैंड। ब्रश को डैब कर लेती हूँ बिफोर आई यूज़ इट ऑन माई चिक्स। आई मेकअप को कम्प्लीट कर लेते हैं क्योंकि नीचे वाला अधूरा रह गया था, तो वाटर लाइन पर मैंने काजल को थोड़ा सा और इंटेंस किया है। इसके जस्ट नीचे मैं लगा रही हूँ पिंक आई शेडो, एंड इसके बाद मैं डार्कर शेड में पर्पल आई शेडो से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे ऊपर में लगाया, सिर्फ ग्रीन नहीं लगाया, येलो आई शेडो भी मैंने इनर कॉर्नर में ऊपर और नीचे दोनों, आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने थोड़ा सा बढ़ा के ही लगाया है। एंड डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट योर इनर कॉर्नर एंड ब्रा बोन। आई मेकअप में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जहाँ भी ज़्यादा लग गया तो उसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हम हटा देंगे। अब पूरे फेस पे हाईलाइट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे करना है, ऐसा नहीं कि पूरे फेस पे कर लेंगे, फोरहेड पे, नोज़ पे, चिकबोन पे, हाइलाइटिंग एरिया पे। अब आती है लिपस्टिक की बारी। पहले मैंने आउटलाइन कर लिया, इससे शेप अच्छी आती है। अब इसमें पिंक शेड में लिपस्टिक फिल करूँगी। देखो, मेकअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एडिट करने के बाद भी 8-10 मिनट की वीडियो बन जाती है। आप जल्दी जल्दी मत करना, इससे आपका मेकअप बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। मैं कहीं कहीं पे फास्ट कर देती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं। यहाँ पर मैंने वेरी लाइटली मस्कारा अप्लाई किया है क्योंकि फॉल्सेज लगा लिया तो फिर मस्कारा की उतनी नीड नहीं होती है, और सेटिंग स्प्रे से मेकअप को सेट कर लिया। इट्स टाइम टू गेट माई इयर रिंग्स एंड बिंदी एंड अ नाइस साड़ी, और हाँ, हेयर स्टाइल भी बनाना बाकी है। तो अब जल्दी से हेयर स्टाइल बना लेते हैं, और इस तरह से मैं खुले बाल रख के भी देख रही हूँ, लुक अच्छा आ रहा है, आप भी देख सकते हैं। बट मैंने अपने बालों को हल्का हल्का सा पुल करते हुए बैक में अपने बालों में क्लचर लगा लिया है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैचिंग इयर रिंग्स में लेके आई हूँ स्पेशली इसी लुक के लिए। चूड़ियाँ देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही हैं मल्टी कलर में, और ये वाली रिंग मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी। पहले मेरे पास जितने भी हैं वो राउंड शेप में हैं। बिंदी लगा ली मैंने पिंक कलर में, मैचिंग मैचिंग, एंड दैट्स इट। हियर इज द कंप्लीटेड लुक, बहुत ही निखर के आया है, स्टनिंग दिवाली मेकअप लुक। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आई होप यू गाइज आर ऑल एंजॉयिंग दिस फेस्टिव सीजन। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।